नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गोदंती भस्म किस तरीके से बनाई जाती है वो प्रक्रिया आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या क्या सामग्री चाहिए और कैसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम नीम के ताज़ा पत्ते लेंगे और घड़े के नीचे वाले सतह पर रख देंगे। देखिए, इसके पत्ते पत्ते निकालते हैं और नीचे रख देंगे ताकि घड़ा गर्म हो तो वह धीरे धीरे जो अंदर ये नीम की पत्तियां उनका जो कुछ तत्व गोदंती भस्म बना रहे हैं उसके अंदर समा जाए। फिर यह जो फीवर उतारने या कफ खांसी बलगम जो होता है उसमें गोदंती भस्म बहुत ही अच्छा काम करती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो नीम के ले रहे हैं ताज़ा होने चाहिए और यदि इसके साथ निवोली भी हों तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सीजन न होने के कारण अभी इस पर निवोली नहीं है तो हम नीम के लहरे ही इसके नीचे लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो आपको मार्केट में भी गोदंती भस्म बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कुछ जो पुराने वैद्य हैं यानी हमारे नाना जी थे, वो खुद अपने हाथों से घर पर ही ये भस्म बनाया करते थे, तो हमने उन्हीं को देखते हुए यह भस्म आज बना रहे हैं। उन्हीं से हमने थोड़ा भस्म बनाने का तरीका सीखा था और यह एक दो चुटकी खाते ही खांसी हो या बलगम हो, पुराना बुखार हो, यह दूर कर देता है। तो देखिए, अब हमने जो गोदंती का क्रिस्टल टाइप में जो पत्थर सा आता है, क्रिस्टल सा जो आता है, वो हमने नीम की पत्तियों के ऊपर रख दिया है। अब इसमें हम जो औंगा यानी लट जीरा जो होता है उसके पत्ते भी गोदंती का जो पत्थर क्रिस्टल टाइप का जो आता है उसके ऊपर ये रख दिए हैं। इसके बाद आग के ताज़ा पत्ते उसके ऊपर हम रख देंगे। आप देख रहे होंगे कि आग के ताज़ा पत्ते हैं, आप खेत खलिहानों में या जंगलों में से लेके आ सकते हैं। आग सफ़ेद हो या नीला फूल वाला किसी का भी आप पत्ता ले सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी और बची है गोदंती दोस्तों, गोदंती का जो थोड़ा सा जो टुकड़ा है और बचा है ताकि हम इसको भी इसमें रख देते हैं। कम से कम इसको डालने के बाद यह 4 से 5 घंटे इसी तरीके से इस पर अग्नि जलती रहेगी, उसके बाद यह भस्म बन के तैयार होगी। ज़्यादा बड़ा है टुकड़ा, हम थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि यह आसानी से अंदर तक भस्म इसकी बन जाए और यह आसानी से जो फूल जाए। ये थोड़ा भस्म यानी पकने के बाद थोड़ा फूल जाता है और अब जो आग के पत्ते हैं हम दोबारा से उसी क्रिस्टल के ऊपर रख देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और दोस्तों, जो 3 चीज़ें तो ये हो गई और तीसरी के बाद जो चौथी चीज़ है वो है दोस्तों ग्लोए। नीम ग्लोए या कोई सी भी ग्लो हो, यानी किसी खेत में पड़ी हो या कैसे भी किसी और पेड़ की भी चलेगी। देखिए, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक कुड़ारी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, एक टांचिया भी बोलते हैं, तो इसकी मदद से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसी जो मटकी रखी हुई है जिसमें भस्म तैयार कर रहे हैं उसमें डाल देंगे। दोस्तों, बारीकी से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ नए वैद्य या हमारे गुरुजन भाई जो हमें सिखाते हैं या कुछ भाई बंधु हमसे बोलते हैं कि जी हमें गोदंती भस्म बनाने का तरीका बताइए, किस तरीके से बनाई जाती है, तो आज हम उन्हीं के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, गोदंती भस्म को आप गर्म पानी के साथ या फिर ऐसे ही मुंह में डालकर उसको थोड़ा चूसते रहें, इससे आपका घबराहट हो या पुराना बुखार हो, म्यादी बुखार हो, टाइफाइड हो, सर्दी खांसी हो या बच्चों में कोई प्रकार की दिक्कत हो, तो थोड़ा सा चटाने से ही सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं और यह अंदर की आंतों की जो कमजोरी होती है उसमें भी ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये टुकड़े गिलोय के हो चुके हैं, अब इन टुकड़ों को हम इसी मटकी में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ये इकट्ठा कर लिया, अब इसको अंदर डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डाल दिया हमने और जैसे ही यह
राख हो जाएगा अंदर पकते पकते 2-4 घंटे में। देखिए थोड़ा सा टुकड़ा और था वो हमने और डाल दिया है जो गोदंती का था, और गोदंती आहिस्ता आहिस्ता इसमें पकती जाएगी। और दोस्तों इसमें गिलोय के कुछ टुकड़े और हैं वो भी डाल दिए। दोस्तों यदि आपको गोदंती भस्म की पूरी वीडियो देखनी हो तो नेक्स्ट कल की वीडियो में हम आगे का किस तरीके से यह अंदर से निकलता है और गोदंती भस्म किन किन रोगों में खाने से फ़ायदा दिलाती है। तो गोदंती भस्म की सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी गुरुजनों से चरण स्पर्श, भाई बंधुओं से ढेर सारा प्यार व नमस्कार। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। कल फिर मिलेंगे। जय भारत माता की।